Hello everyone, I am Binita Jain. You are watching me on Times of India. Top of the world पे फील हो रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है. एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने ये रिजल्ट. एंड कुछ जब अपने को एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड मिल जाता है तो वो बहुत खुशी देता है, बेहद खुशी. अच्छा, आपका एक पूरा प्रोसेस था, दी एलिमिनेशन का जो प्रोसेस था, तो ये आपका स्ट्रेटजी था या वहाँ हॉट सीट पे बैठ के आपने सोचा कि नहीं ऐसे गेम खेला जाए? नहीं, वहाँ बैठ के ही मुझे ऐसा लगा कि जब आप कोई एक चीज़ के लिए श्योर नहीं हो लेकिन आपको पता है कि बाकी तो यू नो दैट वो आंसर नहीं है, तो यही स्ट्रेटजी होता है. यू हैव टू एलिमिनेट एक एक करके एंड देन डिसाइड अपॉन दी करेक्ट आंसर. मुझे ये स्ट्रैटेजी 3-4 क्वेश्चंस में मुझे बहुत मदद किया ये स्ट्रैटेजी ने. जब आपने 1 करोड़ का सवाल का जवाब दिया तो आपके फेस पे एक स्माइल थी. अमित जी ने भी कहा कि जवाब देते ही आपको पता था कि सही था, फिर भी आप डाउट में थे, तो क्या क्षण था जब आपने फाइनली डिसाइड किया कि हाँ चलो मुझे जाना है ये आंसर? जवाब देते ही स्माइल नहीं था, क्वेश्चन पढ़ते ही स्माइल था. बिकॉज मैं क्वेश्चन पढ़ी और मुझे पता था कि इसका जवाब मुझे मालूम है, मैंने पढ़ रखा था. और वो तो उस क्वेश्चन का इतना स्टेक था उस क्वेश्चन पे, तो मैं नर्वस हो रही थी. मुझे टाइम बड़ा लगा एक डिसीजन पे आने में. क्वेश्चन पढ़ते ही पता था वो कौन से केस के बारे में क्वेश्चन है. अच्छा, ये जो पूरी पढ़ाई है आपने अपने शादी के बाद, सारे जो सर्कमस्टेंसेस आप जिनसे गुजर रही थी उनके साथ किया, तो उस पॉइंट पे मोटिवेशन क्या था आपके लिए? मोटिवेशन शायद यही था कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, अगर मैं इसे अच्छे से हासिल कर लूँ मुझे लाइफ में बहुत कुछ करने का अवसर मिल सकता है. आगे जाके लाइफ में क्या मुझे करना है, मैं अगर अभी अपने आप को एजुकेटेड कर लूँ तो मुझे ये हेल्प करेगा, यही था मोटिवेटिंग फोर्स. अच्छा, अब जब आपके हाथ में अमाउंट है 1 करोड़ का, सबसे पहले आप उसे क्या? मैं अपने बेटे के लिए इस अमाउंट को रिजर्व करके रखना चाहूँगी, बिकॉज उसने अभी MDS अपना कम्प्लीट करने जा रहा है वो, एंड डेंटल क्लिनिक हमें उसके लिए सेटअप करना ही था, तो ये अमाउंट मदद करेगा उसके लिए. अच्छा, लास्ट जब आपका 7 करोड़ का सवाल आया, आपने आंसर सही दिया लेकिन क्विट करने के बाद, तो उस टाइम रिग्रेट था या आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड थे कि आप एटलीस्ट 1 करोड़ का आपने राइट दिया है आंसर? मैं सेटिस्फाइड थी, मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं थे, बिकॉज गेम ऑफ होने के बाद मैं आंसर दे रही हूँ और गेम ऑन में आंसर करना इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. ओके, एंड जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने देखा है आपको, जिनको एक नई प्रेरणा मिली है आपके वजह से, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने अंदर के जो ड्रीम है हमें उसे सप्रेस नहीं करना चाहिए. जो भी ड्रीम है परस्यू करें हम उसे, हम आज नहीं कल नहीं तो वो दिन ज़रूर आएगा जब आपको भी मौका मिलेगा अपने ड्रीम्स को परस्यू करने का, उसको हमें डाई डाउन होने देना नहीं चाहिए. ओके, एंड जब आप बिग बी के सामने बैठे थे उस हॉट चेयर पे, तो क्या मतलब कैसा लग रहा था उन्हें देख के? वो आपको कहीं ना कहीं टीज कर रहे थे आंसर सही होने के बाद भी, तो वो कैसे मूव कर रहे थे? ये उनका चार्म है, वो हर कंटेस्टेंट के साथ ऐसा करते हैं. एंड आई वॉज लविंग इट, लाइक वो जो सस्पेंस क्रिएट कर रहे थे वो गेम का एक्साइटमेंट और बढ़ा रहा था. दैट्स वॉट इज दिस गेम ऑल अबाउट नो.